दोस्तों आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं जब भी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूं तो मैं वहां पर एक माउस के पॉइंटर का यूज़ करता हूं। मुझे जिस भी चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है मैं वहां पर माउस से क्लिक करके उसको एक्सप्लेन करके आराम से समझा देता हूं, जिससे आप लोगों को भी आसानी से समझ में आ जाता है। हालांकि मैं इसके लिए किसी कंप्यूटर वगैरह का यूज़ नहीं करता हूं, मैं अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करता हूं। और अगर मैं चाहूं तो मैं ये एरो वेरो लगाना वीडियो के बाद में भी कर सकता हूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है गाइस। तो आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे गाइस कि इस टाइप से कैसे माउस को मैं यूज़ कर लेता हूँ, हमें भी सिखाइए। तो आज की सिंपल सी वीडियो में गाइस मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप भी अपने मोबाइल फोन से अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान किस तरह से इस तरह के माउस पॉइंटर का यूज कर सकते हैं और अपने टाइम को आसानी से बचा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। उसके लिए गाइस आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। तो चलिए प्ले स्टोर ओपन करते हैं और यहां पर आपको सर्च करना है ऑलवेज विजिबल माउस। ऑलवेज विजिबल माउस लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर एक ऐप ओपन होकर आ जाएगा। बहुत छोटा सा ऐप है, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रस्टेड ऐप है, 1 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं। तो सिंपल इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। A few moments later. ऑलराइट गाइस, इंस्टॉल होने के बाद इसको सिंपल यहां से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे ऊपर आपको एक बटन दिख रहा है ऑलवेज विजिबल माउस के नीचे, यहां पर इसको क्लिक करके इसको इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल करने के बाद यहां से आपको कुछ परमिशन मांगेगा कि ये जो माउस का पॉइंटर है वो सारे ऐप्स पर शो हो, तो इसको हमें यहाँ से यस कर देना है। तो हम यहाँ ऑलवेज विजिबल माउस पर क्लिक करके इसको यहाँ से परमिशन दे देंगे और यहाँ से बैक करेंगे, एक बार बैक और करेंगे गाइस। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, आपको दो एरो दिख रहे होंगे, एक माउस दिख रहा होगा, एक एरो दिख रहा होगा, हमें एक को यूज़ करना है। तो इसके लिए यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडवांस्ड फीचर, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा वन बटन, तो इस पर यहां से इसको ओपन कर लीजिएगा। अब हमारा एक ही एरो शो होगा, दूसरा हमारा गायब हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स हैं, आप इसका साउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसका माउस का आइकन भी चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ से साउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं और माउस व्हील बटन, काफ़ी सारा सेटिंग्स है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें सारे ऑप्शन को खोल खोल के आप खुद ही से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से बैक करेंगे गाइस, बैक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे जो माउस का पॉइंटर है वो यहाँ पर सक्सेसफुली बनकर आ गया है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि मैं इसको किस टाइप से यूज़ करता हूँ। सपोज दैट मुझे गूगल क्रोम ओपन करना है, तो मैं इस माउस बटन को पकड़ के यहाँ ले जाऊँगा और गूगल क्रोम पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैं बताता हूं कि आपको यहां सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है, तो सर्च बॉक्स पे क्लिक करके सपोज दैट मुझे गूगल टाइप करना है, तो मैं यहां गूगल लिख के सर्च करा देता हूं। उसके बाद काफ़ी सारे पेज ओपन हो जाएंगे। सपोज दैट मुझे ये वाला ऑप्शन ओपन करना है, तो मैं इस एरो को यहां लाऊंगा और मैं बताता हूं कि गूगल पर क्लिक कीजिए। गूगल पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पे सर्च के बॉक्स पर जाकर सर्च पर क्लिक कीजिए। तो इस टाइप से आप आसानी से माउस पॉइंटर के यूज़ से अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और अपने टाइम को बहुत हद तक बचा सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से मैं अपनी सारी वीडियोज़ में इस टाइप के माउस पॉइंटर का यूज करके अपनी वीडियो को अट्रैक्टिव बनाता था। इस स्टेप से आप लोग भी अपनी वीडियो को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काले कलर का बटन है भाई, तोड़ दो, कुछ भी करो, सब्सक्राइब होना चाहिए। दिस इज राम खान, यू आर वॉचिंग टेक राम, ओवर एंड आउट, बाय।